आज घर से भोलेनाथ जी को पता नहीं हमारे भोलेनाथ जी आंख कब खोलने वाले हैं, अभी हमारा कब दीदार होने वाला है, अभी संसार का उद्धार भी होने वाला है और आज इस सभा का भी उद्धार होने वाला है। मुझे से परिवार पांच को कहते हैं माता का भजन बजाओ तो मैं क्या सुना सकता हूं। चलिए यथाशक्ति कोशिश करूंगा, सबको ध्यान देंगे, गलतियां बहुत सारी हैं, गलतियों को छोड़ कर अच्छे चीजों को श्रवण करेंगे। अरे समझ न पाए गौराए प्रभु अखियां खोले और क्या चार चार बोलेगा भैया पक्का इसका मतलब है आप इसका स्वास्थ्य रख चले अरे समझ न पाए अखियां खोले ये भंग का जादू चढ़ चढ़ कर बोले अभी तो भोलेनाथ बिस्तर में पड़ रहे हैं भांग कर कहीं आप लोग को भी हल्का सा असर तो नहीं हो रहा थोड़ा थोड़ा चलिए आज का नशा उतारने का कोशिश करते हैं। माता गौरा रानी क्या कहती है भोलेनाथ से भोले गौरा भोली गौरा भोले क्यों पीते हो भोली गौरा भोले क्यों पीते हो पीकर भगिया मस्ती में पीते हो पीकर मस्ती भगिया पीते हो और क्या कहना प्यार लाए हो हमको क्यों बोला प्यार लाए हो हमको क्यों बोला हमसे प्यार है हमसे प्यारा है तुमको भंगिया ओघन तानी तेरा मुझ पर ओघन तानी तेरा मुझ पर मन कब डोलेगा ये भंग का जादू है Thank you.
माँ गौरा कहते हैं भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ अब तो छोड़ दो भंग पीने की आदत, नहीं आपने सब रिश्ता तोड़ के मैं जाता हूँ। भंग पीने की आदत छोड़ दो ना, भोलेनाथ छोड़ दो ना, लूट कर नहीं तो चली जाऊंगी, लूट कर नहीं तो चली जाऊंगी, जैसे ही भोलेनाथ सुनते हैं हरे गौरा रानी को बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। भोलेनाथ कहते क्या है, अगर बोल बोल तू मैं के चले जाएगी तो मैं क्या पीऊंगा, मेरा कौन ध्यान रखने वाला, अरे आप चीज के देते हो तभी तो मैं पीता हूं है कि नहीं। तू मैं के चले जाएगी तो मैं क्या पीऊंगा, तू मैं के चले जाएगी तो मैं क्या पीऊंगा। अब गौरा रानी क्या कहते हैं, पीस पीस के भगवान तू किससे बोलेगा, पीस पीस के भगवान तू किससे बोलेगा, ये भंग का जादू है दीवाने हो गए मैया मेरे, दीवाने हो गए मैया मेरे।